ठीक है, चलो जिलिका ये चलो ऑल टाइम हाई, ठीक है, ये दिस इज द करंट लेग दैट यू लुकिंग एट, तो ये दिस इज द ऑल टाइम हाई. फिर ये ऑब्वियसली मतलब सभी कॉइन ने लोअर हाई बनाए, बट अगेन लुक एट दिस, दिस मेड अ हायर हाई, राइट. सो एक हायर हाई बना दिया, उसके बाद ये लो, ये हायर लो, सॉरी लोअर लो, ये एक हायर लो बनाया, जो कि पूरे मार्केट सब ऑल्ट्स ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया था, और फिर ये लोअर लो वापस अभी जो परसों बनाया सैटरडे को, इट मेड अ लोअर लो, मतलब सो दिस लो वाज एट क्या था ये प्राइस, हाँ 0.09357, और ये वाला जो बनाया दिस इज एट 0.091, राइट. सो लोअर लो. सो अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी ये हो गई कि कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बन रहे थे, फिर एक हायर हाई बन गया जो अभी रिसेंट है, और फिर पहले से लोअर लोज बन रहे थे, एक हायर लो बन गया, वापस लोअर लो बन गया. तो इट्स काइंड ऑफ इन दिस साइडवेज चॉपीनेस लाइक मोस्ट अदर ऑल्ट्स, इनफैक्ट एक्सेप्ट लाइक अ फ्यू, बट मेजोरिटी वो चॉपी इसमें, और बिटकॉइन इथेरियम भी इनफैक्ट अभी तक तो थे, अब पता नहीं लग रहा है ऊपर बढ़ रहा है जो हो रहा है. सो दैट इज दैट, बट आई वुड से यार बेटर है कि इसको ट्रेड ही मत करो, क्योंकि ये इसने लास्ट जो हाई था वो हायर हाई दिया था, और जो लास्ट लो दिया वो मतलब लोअर लो दिया, राइट. सो इट इज मतलब ना हाईज और लोज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, इन द सेंस हायर हाई हायर लो देता तो ठीक था, लोअर लो और लोअर हाई देता तो ठीक था, ये दोनों साइड देगा. सो इट्स मच बेटर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, बाकी कुछ और अच्छा ट्रेड कर लो, जो मतलब जैसे बीएनबी या फिर कार्डेनो, या फिर इसमें बेसिकली क्लैरिटी मिल रही है आपको कि भाई क्या हो रहा है, हायर हायर भी बन रहा है, हायर लो भी बन रहा है, लोअर हायर भी बन रहा है, लोअर लो भी बन रहा है, कोई एक साइड. सो इट्स मच बेटर टू ट्रेड दैट इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि अच्छा वहां एक पे सेकंड, सब सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स गोइंग ऑन इन द चैट गाइस. आई एम नॉट एंग्री, समबडी जस्ट अब्यूज, आई एम जस्ट सेइंग कि इतने टाइम से आप मतलब स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हो, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन ऑन द स्क्रीन, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि नीचे देखो तो सही, इतना ही था. डोंट वरी, आई एम नॉट अपेस्ड, एंड इफ यू डू नॉट लाइक द वीडियो, डिसलाइक है उतना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम यहाँ पे एजुकेट करने के लिए है, एंड व्हाटएवर सुनने से सेइंग पे अटेंशन टू इट, राइट. गाइस चिल करो, मतलब डोंट प्लीज, जस्ट मतलब इट्स ओके, मैं जस्ट थोड़ा एक्सेंट्रिक बंदा हूँ यार, मैं ऐसे करता रहता हूँ, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है. हाँ. और मतलब ही जस्ट कम फ्रॉम मीटिंग, प्रॉब्ली जस्ट टायर्ड, डोंट टेक हिम सीरियसली, इट्स जस्ट किडिंग, मुझे लाइक सीरियसली नहीं बोल रहा है. हाँ चिल करो, कोई सीन नहीं, चैट में झगड़े वगड़े मत करो, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, यार हम तो ग्रुप में भी नहीं करते, जबकि इतने सारे ज्यादा लोग होते ग्रुप में, तो वो सब मत करो, और किसी ने किसी को कुछ बोल दिया है वो सब मत करो, गाइस चिल करो. हाँ ठीक है, सही बात एनीवेज. है. हाँ तो व्हाट आई एम सेइंग इज जिलिका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो मच बेटर कि वो साइडवेज को प्ले आउट जान दो, क्योंकि वो साइडवेज जा रहा है, राइट, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, हायर हाईज और हायर लोज या लोअर हाईज और लोअर लोज. सो अनलेस दैट हैपेंस, इट्स मच बेटर कि आप उसको ट्रेड ही मत करो, निकल जान दो. अगर सपोर्ट तोड़ता है नीचे और द एंटायर मार्केट आल्सो नोज दैट, तो हम फिर शॉर्ट की तरफ देखेंगे. अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है, जैसे भी देता है, मतलब विच एवर साइड द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कम्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, व्हाट आई थिंक. सो वेट एंड वॉच इज द बेस्ट आइडिया हियर. सपोर्ट इज एट 0.091 नितिन, एंड रेजिस्टेंस इज 0.147, बहुत दूर दूर है, पर अब मार्केट चौक रही है, तो आई डोंट थिंक. क्या चाह रहे हो आप लोग, मतलब क्या उम्मीद है, अभी दिखेगा वो, बताओ. बट अभी अभी शेयर किया, दिख गया दिख इज गया इट दिख विजिबल गया. नाउ? या हाँ, ये डेली चार्ट है इसका, बताओ क्या, बताओ क्या जानना चाह रहे हो इसमें, क्या आई लगता लव है दिस आप लोग, रिएक्शन, आई लव दिस रिएक्शन. इसको आप शॉर्ट नहीं कर मतलब सकते, इसे लॉन्ग कर सकते हो, करना चाहिए कि नहीं वो भी दिक्कत है, लेवरेज लॉन्ग नहीं कर सकते, दिस इज ऑल, दिस इज जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड, ओके, दिस इज जस्ट सेइंग कि साले तुम रह गए, हम अमीर हो गए, दिस इज जस्ट दैट. सो इट्स सैड मैन, कौन है जो हमसे ऐसे कॉइंस पूछ रहा है भाई, तुमने जो कमाई पैसे लिया बना अच्छी रहे बात हैं है. वो एक्चुअली हाँ वो तो फिर, जलाना चाह रहे हैं, वो जलाना चाह रहे हैं. देखो हाँ तो खुश रहो यार, हमने ट्रेड हमें ली. हमारे क्यों मजे, क्यों मजे ले रहे हो यार, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है. ये देखो अब इसमें एक 1 मिनट कहाँ गया ये, मैं आरजी चार्ट पे हूँ, क्योंकि डेली पे या फिर 4 वीक 4 आरजी पे तो रिट्रेसमेंट ही नहीं है. एक मिनट स्क्रीन अगर, हाँ आइटम दिख रहा है, जा नहीं
है ना? क्या टाइटन इज अ डीफाई प्रोटोकॉल राइट? या आई डोंट नो मैन डीफाई हां हां डीफाई है एटलीस्ट सुधांशु पूछ रहा है इट इज जस्ट डीफाई ये बोरिंग लेंडिंग करते करते ना सब ऐसी नहीं बनते हैं बनाते हैं हाँ प्रोजेक्ट इज नाइस प्रोजेक्ट इज गुड ये जो है खुद का स्टेबल कॉइन लिया अच्छा ओके सो ये जो टाइटन है इसमें देखो तो मतलब यार दिस इज ऑन अ अप ट्रेंड सिंस लाइक पता नहीं जब से लिस्ट हुआ है तब से अप ट्रेंड पे है ये 1st जून को 65 सेंट्स पे था अभी $40 पे है This is the world of crypto. Of course, they call it a scam, and I don't even blame them at this point. They will be like, "हमने हम जब से job करना शुरू किए थे, हर महीने SIP कर करके पैसे बना रहे, मतलब जुटा रहे, हमने 20 साल लगा दिए, तो हमारा पैसा इतना grow नहीं हुआ, तुमने 10 दिन में खत्म कर दिया, मतलब ऐसा. Of course, it is changing how people think about money, right? I mean, हमने सालों लगा दिए, जब से नौकरी कर रहे हैं, तब से पैसा जमा कर रहे हैं, तो इतना return नहीं, तुमने 10 दिन में करके निपटा दिया, तो How will people who are not who've not seen something like this since the beginning of their investing journey, how will they accept it? Right? So I don't blame them. इसलिए मैं ना शुरू में बहुत ये होता था कि यार तुम पढ़ तो लो हम क्या कर रहे हैं मैं आओ तो सही DeFi में जैसे जैसे उस दिन I think संदीप ने मतलब nothing against Vijay Shekhar Sharma but he was मतलब वो ना जो I'm just saying a statement that Sandeep said कि सर मैं आपको thousand रखा लेकिन he doesn't need that money he's a fucking billionaire but he sent क्या मैं I'll send you $1,000 you come and explore the world of DeFi right आओ आपको दिखाते हैं DeFi में क्या हो रहा है तो मैं पहले ऐसे ही मेरे को लगता था कि भाई तुम आओ तो हम तुम्हें आवे क्या है Matic क्या है Solana क्या हम बताते तुम्हें पता तो चले कि some amazing technology people are developing right पर फिर मेरे को लगा मैंने कहा ठीक है फर्स्ट जिसने डीप डाइव नहीं किया जिसने फर्स्ट इंस्टेंस में सिर्फ ऊपर से सिर्फ प्राइस देख रहा है उसको तो लगेगा कि ये लोग पागल हो गए राइट तो लेट्स नॉट ब्लेम देम आई एम जस्ट ओके हम तो ठीक है छोड़ डूड इसका ऑल टाइम हाई $40 है 41 माय गॉड बन गए कब बना अच्छा वीक है पिछले घंटे हां वीक तो एनीवेज मतलब देखो अगर अभी तक क्लियर नहीं होना हमारे सब बच्चों दिन कि ये क्या है तो इसको शॉर्ट नहीं करना है अवेलेबल नहीं भी हो ना अगर अवेलेबल नहीं भी हो शॉर्ट करने के मतलब होता भी अगर या नहीं होगा मेरे ख्याल से तो अगर हो भी तो प्लीज डोंट शॉर्ट बिकॉज क्लियरली वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आई डोंट नो हाउ मच इट विल सस्टेन एंड आई पर्सनली थिंक जब क्रैश होगा मार्केट या मतलब ये वैसे तो हो रहा था पता नहीं ये क्यों नहीं पर जब भी मतलब वंस इट स्टार्ट्स रिट्रेसिंग दिस विल बी अ बिग बिग रिट्रेसमेंट राइट जैसे डोज वगैरह में हो रहा है उस तरह से सो मतलब जो आप अगर टॉप के पास बाय करोगे तो या शॉर्ट जो भी करोगे तो वो अटक जाओगे सो आई कांट से वेदर यू शुड बाय या सेल वो मुझे नहीं पता बट दिस इज मतलब वेरी बिग मूवमेंट शॉर्ट अवेलेबल भी नहीं है होता भी तो मत करो लॉन्ग अब देखो ये यहाँ पे आया था पुल बैक अगर कर लिया तो कर लिया अब अगली बार वेट करते रहो कि आए और नहीं आए तो कोई बात नहीं then you can if you want to you can take a long and then put a stop loss पता नहीं मुझे इस वेबसाइट पे stop loss भी अवेलेबल है कि नहीं but whatever the scenario please don't short I am very confused about what to say about this because retracement आ भी सकता है नहीं भी आ सकता मतलब क्या पता ये आ तो रहा नहीं है क्योंकि अभी तक अभी तक चल रहा है हाँ हाँ so I really don't know but please don't short if it's available सपोर्ट जो है वो 31.96 या $32 पे है तो अराउंड फिगर रेजिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई बना है तो दिस इज एन आर्ली चार्ट सो वी लुकिंग एट द आर्ली सपोर्ट क्योंकि बाकी सब में मतलब रिट्रेसमेंट ही नहीं था तो इसीलिए आर्ली पे देखना पड़ा सो 31.96 या 32 इज द सपोर्ट देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के पास है शॉर्ट कर नहीं सकते वैसे तो पर कर भी सकते तो अवॉइड करो लॉन्ग देख लो भाई रिट्रेसमेंट मिल जाए कहीं और आपको भरोसा हो प्रोजेक्ट में तो कर दो And then just let it go, like all of us. So that is that. Okay? Ciao.